भारतीय टीम का एक ऐसा सुपरस्टार जो कि सिक्सर का किंग माना जाता था अपने ज़माने में। 2007 में भी उन्होंने छक्का मार करके एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। 2011 वर्ल्ड कप में भी काफ़ी चौके और छक्कों की बरसात कर दी। भारतीय रूप से उसे सिक्सर किंग माना जाता है या इनिशियल सिक्सर किंग माना जाता है। जी हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, द युवराज सिंह। अभी वो जो इंडियन चैम्पियन खेल रहे हैं, उन्होंने इस मुकाबले में काफ़ी कमाल धमाल मचा रखा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मुकाबला खेला जा रहा, इंडिया चैम्पियन वर्सेज ऑस्ट्रेलिया चैम्पियन के बीच खेला जा रहा है ये मुकाबला। भारत ने टॉस ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन हमारे जो बल्लेबाज है, चाहे रॉबिन उथप्पा की बात कर ले, चाहे इरफान पठान की बात करें, चाहे युवराज सिंह की बात करें, या यूसुफ पठान की बात करें, सभी ने काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को 200 से ज़्यादा का स्कोर बना के दिया। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया का 5 विकेट गिर चुका है मात्र 80 रन पे, और ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप कुछ इस तरह है कि ये मुकाबला वो जीत नहीं सकता अगर कोई चमत्कार ना हो जाए। लेकिन आज मैं उस खिलाड़ी की बात करूँगा जिससे कि 2-2 वर्ल्ड कप तो जीता है लेकिन उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, स्पेशली वाइड बॉल में, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो। ठीक है, वनडे में 2000 वर्ल्ड कप 11 का मुकाबला उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज रहा था। हालांकि वो हर एक तरह से अपनी भूमिका निभा रहे थे, चाहे वो गेंदबाजी की तरफ से हो, चाहे वो बल्लेबाजी की तरफ से, काफ़ी अच्छी भूमिका निभाए थे। गौतम गंभीर हर बार कहते हैं अगर वाइड बॉल का सबसे बेहतरीन प्लेयर को चुना जाए तो युवराज सिंह हो, कोई और उनकी जगह दूसरा प्लेयर आ नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ युवराज सिंह। क्या क्लास था, क्या शॉट था। अगर 2011 की बात करते हो, वो अपनी पीक पे थे लेकिन उतना वो क्रेडिट नहीं मिलता। इंडिया टीम में यही एक नुकसान है कि हर एक प्लेयर को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना वो डिज़र्व करते हैं। चाहे किसी भी प्लेयर की बात को लगो, जब 1983 में पहली बार जब वर्ल्ड कप जीता गया तो उतना क्रेडिट सभी को नहीं मिला था। मिलता है उस समय मिलता है, लेकिन समय के साथ बस कुछ ही लोगों को मिला जाता है। 2007 की बात कर ले, 2011 की बात कर ले, 2024 की बात कर ले,